व्हाट्सअप गाइस, दिस इज लवित बघेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट सजेशन। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर रेड बटन पे क्लिक करके इसे अभी सब्सक्राइब करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो आप एंड्रॉइड पे कोडिंग करते हो, एंड्रॉइड ऐप बनाते हो, उस पर बैनर ऐड कैसे लगाते हैं। एक अगला ट्यूटोरियल बनाएंगे इंटरनेशनल ऐड के लिए बनाएंगे, जिसपे स्किप करने वाली ऐड रहती है। अभी हम जो बना रहे हैं वो छोटी ऐड के लिए बना रहे हैं कि जो बैनर ऐड नीचे साइड लगाई जाती है, ऊपर साइड कहीं भी लगाना है, उससे कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि उसके लिए पूरा काम प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हमको एक एडसेंस अकाउंट चाहिए, अप्रूव वाला एडसेंस अकाउंट। अब एडसेंस अकाउंट क्या होता है? एडसेंस अकाउंट जो होता है वो होता है वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पे जो ऐड से पैसे कमाते हैं, उसे लिंक करते हैं, तब वो एडसेंस अकाउंट से होता है और उस पर ही अर्निंग आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी पेमेंट इस पर आप मेरे पैसे देख सकते हैं कि मैंने इतने अर्न किए, मेरा बैलेंस है। ये भी $100 हो जाएंगे तो मैं इसे किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ। ठीक है, अब बात आती है कि एडसेंस अकाउंट कैसे बनाए। आपको नॉर्मल यहाँ पर एडसेंस सर्च मारना है उसका। जब वो साइट खुल जाएगी, जब पहली बार वो साइट खुलेगी तो उस पर फॉर्म आता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप वैसे एडसेंस अकाउंट क्रिएट ना करें। ठीक है, आपको कैसे करना है, आपको जाना है यूट्यूब पे। ठीक है, अब YouTube चैनल कैसे बनाते हैं वो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। YouTube चैनल क्रिएट करना है आपको और उसके अंदर से जाके मतलब मेक मनी करके रहता है, उसमें मोनेटाइजेशन करें, एनेबल करें और उससे वो डायरेक्ट एडसेंस अकाउंट बना लेता है। मतलब सीधा वो URL ले लेता है अपने आप में, अंदर में फॉर्म में, और उसके लिए बन जाता है और वो एक दिन में अप्रूव हो जाता है। अगर हम किसी ब्लॉगर के लिए करेंगे या साइट के लिए करेंगे तो कई बार क्या होता है, हमारी ब्लॉगर या साइट सही फॉर्मेट में नहीं बनी होती तो गूगल की पॉलिसी के हिसाब से वो अप्रूव नहीं करता एडसेंस अकाउंट, और वो आईडी भी हमारी बेकार चली जाती है जब तक वो, क्योंकि वो दोबारा फॉर्म नहीं भरने देता उसी आईडी से। तो इसलिए मैं आपको दूंगा कि आप चैनल बना के एडसेंस अप्लाई करें। जब आपका एक अप्रूव एडसेंस अकाउंट बन जाएगा तो इस तरह से खुलने लगेगा डैशबोर्ड वाला। जब आपका एडसेंस अकाउंट बन जाए तो आपको गूगल में एडमोब सर्च मारना है, एडमोब लॉगिन आईडी। जब पहली बार खोलोगे तो कुछ नहीं रहेगा, उसमें बोलेगा कि क्या आप इस पर साइनअप करना चाहते हो, तो इसी आईडी से साइनअप भी हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी जीमेल आईडी है तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा एडमोब वाला, और इसका डैशबोर्ड इस तरह से रहेगा। ठीक है, इसका डैशबोर्ड ये रहेगा पूरा। मैंने लोडिंग ले रहे हैं, हम फिर से इसको खोलते हैं। ठीक है, एडमोब की लॉगिन, इन सभी साइटों के अब जो है बेटा वर्जन आ चुके हैं। नहीं तो पहले यहाँ पर हमारी आईडी लिखा दी जाती थी, जो कि गूगल फिर वो चैनल पे हमें जो वीडियो डालते थे उसको मतलब मोनेटाइजेशन हट जाता था और हम पर एक स्ट्राइक आ जाती थी। तो अब साइट गूगल वाले को भी अकल आ गई, तो उसने क्या करा है, बेटा वर्जन निकाल दिया जिससे वो चीज़ें हाइड रहती, लेकिन अभी भी यहाँ पर दिखा रहे हो कि गलत बात है। ठीक है, ये साइट खुल जाए, थोड़ा लोड ले गई। ठीक है, अब एंड्रॉयड ऐप आपको बना के आनी चाहिए, नहीं तो हम उसके लिए ट्यूटोरियल स्टार्ट कर देंगे। अगर किसी यूज़र को सीखना हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी एक एंड्रॉयड ऐप की पूरी कोडिंग है। अब मेरे को क्या करना है, मैं इसका वो भी दिखा दूंगा कि मैंने मतलब कैसी ऐप है, मैं इसका शुरू में आपको दिखाया होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं ऐड लगाऊँ, तो मैं सिर्फ अभी एक जो मेरी जी वाली जो मेरी ऐप है ये फ्रेगमेंट एक्टिविटी वाली, मतलब इसमें चार मतलब इसमें वो लगा है, ड्रॉयल लगा है, और एक जो है वो मेन वाली है स्क्रीन है, नीचे वाला बॉटम वो है स्टेबल है और ड्रॉयल लगा है, मतलब सिर्फ फ्रेगमेंट चेंज हो रहे हैं, नीचे वाला ऐसा है। तो सिर्फ एक ऐड लगाने से मेरा काम नहीं है, तो मैं सिर्फ एक ऐड लगाऊंगा, वो सब मैं देखेगी, फ्रेगमेंट वाली एक्टिविटी यूज़ करूँ इसलिए। लेकिन आपका जो मैं जो प्रोसेस कर रहा हूँ वो आप अपनी हर एक एक्टिविटी करेंगे तो आपकी हर एक एक्टिविटी में अलग अलग ऐड लगा सकते हो सेम आईडी के। ठीक है, तो ये तो मेरी कोडिंग तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, मैं अब आपको बताऊंगा कि क्या क्या कोड करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने इतनी सारी ऐप ऐड करी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर एक बार आईडी बना ली उसका दोबारा यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी मान ली प्ले स्टोर डेवलपर कंसोल पर हमने ऐप डाली, डेवलपर कंसोल से क्या होता है उसके बना देंगे एक वीडियो कि उस पर हम जो है जो डेवलपर होते हैं वो ऐप डालते हैं और वो यूज़र को प्ले स्टोर पर लिखते हैं। ठीक, तो कई बार हमारी जो डेवलपर कंसोल से ऐप रिजेक्ट हो जाए, क्या होता है गूगल एडमोब की पॉलिसी के अनुसार उस ऐप की जो आईडी रहती है इस टाइप की जो आप क्रिएट करते हो वो भी हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, मतलब उस पर ऐड शो नहीं होगी। तो आप इससे अच्छा कि हर ऐप के लिए एक सिंगल अलग से होने, जैसे कि मैं न्यू ऐड कर लेती हूँ, न्यू ऐप बना लेता हूँ। ठीक है, मोनेटाइज न्यू ऐप,
मोनेटाइज मिनी मैप करे अपन ने, ठीक है। इंटरनेट साइंस करता हूँ, ठीक है, ये खुल गया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नहीं जाना आपको, यहाँ पर जाना ही नहीं है आपको, यहाँ पर जाना है ऐड ऐप, मैनुअली ऐड कर रहे हैं क्योंकि अभी ऑफलाइन है, प्ले स्टोर पे तो है नहीं ऐड। तो कुछ लोग यहाँ करते हैं एक्स्ट्रा दिमाग लगा, यहाँ पैकेज नेम दे देते हैं। इससे अच्छा आप अपने आपको समझने के लिए क्या रखो, जो आपने अपने ऐप का नाम यू रखो, जैसे मैं इसका नाम सैब रखा, ठीक है, सैब सैब मेरे को पता है मेरी ऐप का नाम है सैब, तो मैं उसका ऐप कर लूँगा। इसमें आप देखिए आपकी ऐप एंड्रॉइड की आई उसके साथ, अभी एंड्रॉइड स्टूडियो पर काम करें, एंड्रॉइड की आप बनाने तो एंड्रॉइड से मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर ऐड ऐप करेंगे। अभी हम क्या बना रहे हैं, एक ऐप पे हमें ऐड लगाना है, तो उसके लिए हमने एक वो बना रहे हैं, यूनिट बना रहे हैं, ठीक है। अब एक ऐप की जो है उसके अंदर मल्टीपल ऐड यूनिट बना सकते हो, अभी हम सिर्फ एक बना रहे हैं। पहले पूछ रहा दूसरे नंबर पर कि अब ऐड का फॉर्मेट क्या चाहिए, हम बैनर वाली ऐड लगा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर यहाँ भी एक समझ नहीं कर रहा था, अगर यहाँ पर कस्टम कर देंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको दे रहा है कि अगर आप ये ऑप्टिमाइज वाला चुनते हो तो कई बार हमकी में ज़्यादा पैसे वाली ऐड की, तो आपको गूगल वाला रहने देना चाहिए, या आप चाहे तो यहाँ पर लगा सकते हैं कि हर 30 सेकंड बाद नई ऐड आनी चाहिए, रिफ्रेश होती है वो है, तो आपकी ज़्यादा इंप्रेशन बनेंगे, लेकिन वो गलत है। आप अगर गूगल ऑप्टिमाइज मतलब गूगल जो भी दिखाना चाहेगा, जब दिखाना चाहेगा उसके हिसाब से चलने दोगे जितने सेकंड में, तो आपको ज़्यादा पैसे बनेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड ठीक है, अगर आप कस्टमाइज करेंगे तो आपका जैसे कि मैं अपने प्रीव्यू करवा दे रहा हूँ अपने आपका, क्या होता है कि हमारी ऐप का कलर कुछ होता है, मतलब कि हेडर कुछ जो रहता है उसका सिंबल कुछ कलर का है, तो अगर आपको इसको कस्टमाइज करना है तो वो इससे आप कर सकते हो कि आपका बैकग्राउंड कलर क्या रखना है ऐड का, ठीक है, तो वो रहे उसके लिए। तो आप अभी मान लीजिए हम सिर्फ स्टैंडर्ड वाला लगा रहे हैं, आप क्या पूछ रहा है, हमने एक वो बना लिया, ग्रुप बन लिया इस ऐप के लिए, और उसके अंदर हम ऐड यूनिट बना रहे, तो इसका नाम भी आप क्या दे दो, सैब वन, ठीक है, नाम की एक ऐड यूनिट बना दी। अब जब हम इसे सेव करेंगे तो एक आईडी जनरेट होगी, वो हमें कॉपी कर लेना है, ऐसा नहीं कि कॉपी कर नहीं करेंगे तो वो दोबारा नहीं देख पाओगे आप, ठीक है। ये मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है कि आप इसे लिंक टू फायरबेस करना चाहते हो, अगर आपने फायरबेस एड्स लगाए हो, ठीक है, तो आप इसे कर सकते, नहीं तो स्किप कर दीजिए नॉर्मल, क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपने फायरबेस से वो किया तो वो कई बार आप इनवैलिड क्लिक करोगे तो वो भी काउंट कर लेगा फायरबेस, तो इसे स्किप ही कर दें, क्योंकि आप गूगल ट्रैकर तो लगाइए, ठीक है, फिनिश करें। अगर आपको नई एक और ऐड यूनिट लगाना, मतलब आप चाहते हो कि एक के अंदर बहुत सारी ऐड यूनिट हैं और हर एक्टिविटी के लिए आप अलग अलग आईडी की ऐड लगा, मतलब अलग अलग दिखे सब में, तो वो लगा सकते, लेकिन मैं अभी सेम ही आईडी यूज़ करूँगा सब में, मतलब पूरी ऐप के अंदर सेम आईडी यूज़ करूँगा, ठीक है। अब मैं इसे फिनिश कर दूँगा, ये जो थी ये मेरी, इसको बस कॉपी याद रखना है, इसको ये यहाँ पर आ जाएगी मेरी वो सैप वाली, अब देखिए ये नाम की है मेरी एंड्रॉयड ऐप है उसके अंदर, ठीक है। अभी ये ऐप नहीं, मतलब अपने एक ग्रुप बना है इसका, के अंदर आप मल्टीपल एड्स की ये ऐड यूनिट मिल गई, अब अपन को इसका यूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले कोडिंग के पार्ट पे चलते हैं। अब कोडिंग के पार्ट में आपको पता होगा, एक जावा होती है, एक उसकी एक्सएमएल होती है, और मतलब ठीक है, और क्या होता है, मैनिफेस्ट फाइल होती है और बिल्ड ग्रेडल फाइल होती है। तो सबसे पहले जब हम ऐड यूज़ करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिल्ड ग्रेडल में जाके पहले डिपेंडेंसी लगाना पड़ता है, ठीक है, बिल्ड ग्रेडल नहीं, ऐप बिल्ड का बिल्ड ग्रेडल, ठीक है, एड्स 8.4.0 यदि ये तो 9.0 यूज़ करें, ये लोग ये कर लोगे तो भी चलेगी आपके में 8.4.0, ठीक है। करना है बिल्ड ग्रेडल में डिपेंडेंसी लगा दो, लिखोगे चेंज करवाओगे तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगी इसमें, ठीक है। अब क्या करना है, आपको जाना है ले आउट पे, ठीक है, ले आउट में, जैसे कि मेरी ऐप का जो मेरा मेन ले आउट है, सारे फ्रेगमेंट जिसमें दिखते हैं, तो है एक्टिविटी ई कार्ड नाम की, और मेरे को ऐड लगाना है यहाँ पर, तो मैंने क्या कर रहा हूँ, ये पूरा ले आउट है उसका, ठीक है, ये शुरू हुआ यहाँ से, ये कोडिंग पार्ट मत देखिए आपकी क्या लगाया, ड्रॉ लगाया, ले आउट लगाया, ठीक है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि ऐड कैसे लगा। सबसे पहले आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला, अब ये वाला जो कोड है, ठीक है, ये वाला कोड अगर मैं बिना ये चीज़ मैंने जो एक्स्ट्रा लगाई है लीनियर लेआउट के अंदर, वो उसका मतलब मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले इसका जो मेन कोड है ये ऐसा है, ठीक है, जो आपने उधर से अपनी ऐड यूनिट कॉपी करी है वो आपको पेस्ट करना है, ठीक है,
ये वाली जैसे कि ये जनरेट हुई है, ठीक है, इसको ला के आपको यहाँ पेस्ट करना है, इधर ला के पेस्ट करना है। अब जैसे कि मैंने यूज़ कर चुका हूँ, अब जब मैंने इसको यहाँ ना देख के मैंने कहाँ दिया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एट द रेट स्ट्रिंग में दिया, यहाँ यहाँ ला कर भी पेस्ट कर सकते हो डायरेक्ट। तो चलिए आपको, अगर आप डेवलपर हो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने स्ट्रिंग के अंदर वो दिया है, उसका नाम मतलब कि मैंने एड आई डी डॉट बैनर नाम की एक स्ट्रिंग बनाई है, उसके अंदर वैल्यूज दे दिए, तो वो कहाँ रहता है, यहाँ दिए, ठीक है, ये देखिए मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, नेम क्या रखा है, एड आई डी बैनर, उसके अंदर वो आई डी ला के पेश कर दी। या मेरी पुरानी आई डी तो उसी को रहने दीजिए, बाकी अगर आपकी ऐप है तो मतलब ऐसे जनरेट करिए और ले जाके यहाँ पर क्या करेंगे, आप पेस्ट कर देंगे वो आई डी, ठीक है, जो अपन ने ऐसे बनाया है, ठीक है, कर दिए भाई, चलिए ठीक है स्ट्रिंग में। और उसे अपने आपने मैंने एक्टिविटी में इंक्लूड करवा लिए, ये कोड रहेगा उसका, एक चार लाइन का कोड है गूगल ऐड लगाने का, वो ऐड आई डी यहाँ पर यहाँ आप लिख लीजिए, या मैं अपने एक वर्डप्रेस वाली वेबसाइट पे डाल दूँगा और उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से कर लीजिए। अब ये हम सोच रहे हो कि ये बॉटम पे कैसे आ गई और इसकी एक ये लेआउट के साथ ही लगी रहेगी, समझ रहे हैं, तो वो कैसे लगाया मैंने, मैंने एक लीनियर लेआउट के अंदर वो ऐड लगाई है और उसको मैंने क्या कर दिया है, अलाइन पैरेंट बॉटम ट्रू से चिप, मतलब कि पैरेंट से चिपका रहेगा जो ऐड का जो जो मतलब ये चौड़ाई लंबाई रहती है, चौड़ाई तो इसको रैप कंटेंट है, अगर आप इसको छेड़छाड़ करेंगे तो ऐड नहीं दिखेगी, ठीक है, तो यहाँ आपको लंबाई चौड़ाई नहीं बढ़ाना, क्योंकि ये बैनर ऐड है जिसका उसका जितना साइज है उधर से आएगा उतना ही दिखेगी, ठीक है, और छोटी सी रहती है, इसकी आईडी रहती है 50 रहती है, तो अपने जो बॉटम बार आप जो बना रहे हो लीनियर लेआउट का तो उसे 60 डीपी का रखें, ठीक है, ठीक है, यहाँ इतनी बड़ी दिख रही है, बड़ी रहती है 50 डीपी की रहती है हाइट इसकी, ठीक है, तो इसके एक्सएमएल में ये वाला कोड लगेगा जो कि आपको अपने कोड के अंदर रखना पड़ेगा, आपको ये लगा के तो आता ही होगा, ठीक है, जब आप इसे इंक्लूड करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर एल्ट एंटर करके आपको ये ऐड करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी, ये दो चीज़ें ऐप का और ये वाली चीज़ें, यदि नहीं ऐड हो रही है तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये वाली, अब ये अपना लेआउट वाला काम हो गया, ठीक है, अब जाते हैं इसकी जावा फाइल में, तो मेरी ये वाली है जावा फाइल, ठीक है, अब क्या करना है, ये मेरा कोड क्या हो गया, ये मेरी ऐड लगा है, तो ऐड का कोड मैंने कहाँ लगा है दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, मैंने ऊपर वेरिएबल डिफाइन नहीं किए सीधे यहीं, इसलिए मैंने को यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर, यहाँ से मेरा ऐड का कोड, ठीक है, तो मैंने कौन सी ऐड लगाई है, अभी बैनर ऐड लगाई, तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, ऐड व्यू क्या है मेरी, ऐड दिखा, ऐड व्यू है, ऐड व्यू नाम, ऐड व्यू टाइप का मैंने क्या लिया, एक डेटा टाइप, मतलब ऐड व्यू टाइप का क्या है, जैसे अपन लेते ना कि बटन बराबर बी1 ले लिए, वैसे मैंने एक वो ले लिया ऐड व्यू टाइप का, एक छोटा ले लिया ऐड व्यू, ऐड व्यू दिस इज फाइंड व्यू आई आर डॉट आई डी बैनर एड व्यू, अब ये बैनर एड व्यू कहाँ की, ये कहाँ से आई, लेआउट में जो हम आई डी देते वो आती है, जैसे कि हम यहाँ गए, यहाँ पर हम इसकी ऐड की आई डी क्या है, वो है वो, जैसे कि बटन की आई डी देते, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आएगी जो ऐप बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आई डी दिया है तो वो कहाँ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है, बस उधर से इतना ही बस लेना था अपन को कोड, ठीक है, मतलब वो आई डी बस लेना था, इसके अंदर आ गई, इसके अंदर आ गई, ठीक है, छोटे वाले एड व्यू के अंदर, अब अपन को क्या करना है, ऐड रिक्वेस्ट नाम का वो लेना है, ठीक है, ऐड रिक्वेस्ट न्यू रिक्वेस्ट, ये वाला कोड आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, अगर आप किसी डिवाइस पे ऑफलाइन चेक कर रहे हो, कई बार क्या रहता है चेक करने में हमारा एडमोब अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, तो वो गूगल टेस्ट करने के लिए आपको एक डिवाइस की वो रहती है, वो डिवाइस की आई डी डाल दोगे तो सिर्फ उसमें दिखेगा और उस पर एडमोब का जो इनवैलिड क्लिक है वो रुक जाएगा और हमकी आई डी ब्लॉक नहीं होगी, और अपन हमको वो नहीं करना, अपन डायरेक्ट सीधे चेक करते हैं रनिंग है ना, तो ये लाइन का कोड आपका कुछ काम का नहीं है, सिर्फ ये ऐड रिक्वेस्ट वाला ये दो लाइन लिखोगे आप, ठीक है, ये दो लाइन लिखोगे, बिल्ड कर ली, आपने एक बिल्डर बना लिया, ठीक है, अब यहाँ पहुँच जाओगे, ऐड व्यू लोड करेगी ऐड रिक्वेस्ट को, ठीक है, बस ये तीन लाइन का जो कोड आपको दिख रहा है ये लगाना है बस, ठीक है, ऐड व्यू डॉट ऐड रिक्वेस्ट, याद रखें यहाँ पर आपने ऐड व्यू लिया है, यहाँ भी ऐड व्यू आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आपने ऐड रिक्वेस्ट लिया है तो आप उसे लोड करवा रहे हो ऐड रिक्वेस्ट, अगर आप किसी डिवाइस अकेले में चेक करवा रहे हो तो उस डिवाइस की आईडी यहाँ डाल दीजिए, ये कमेंट हट जाएगी यहाँ से, लेकिन ये लाइन का कोड आप यूज़ ही ना करें करें, ठीक है, आपके काम के कोड कौन से हैं, 1 2 एक, मैं लास्ट में जब आपको
इस वीडियो का एंड होगा तब मैं एक बार फॉरवर्ड में समझा दूंगा, ठीक है। ये 3 लाइन का कोड जावा में हो गया, ठीक है। अब कोई एरर नहीं आएगी आपकी। अब अपन ने किस किस चीज़ में काम करें, लेआउट में ऐड का एक्सएमएल में ऐड करें, ठीक है। उसका फिर अपन ने आईडी लेके इधर जावा में इंक्लूड करवा दिया, ठीक है। अब इतने से नहीं होता, आपको पता होगा जो ऐड होती है वो ऑनलाइन दिखती है, ठीक है। तो हमें मैनिफेस्ट में कुछ कंडीशन लगानी पड़ती है। सबसे पहले तो एक जो परमिशन लेनी पड़ेगी यूज़र से वो होगी इंटरनेट की। ये 2 परमिशन लेना पड़ेगा आपका, एक्सेस नेटवर्क स्टेट और वो। हाँ, अब असली काम कहाँ शुरू होता है ये तो आपको लगा के आते होगी। लॉन्चर में वो लगाते हैं जिसे हम पहले खोलना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपकी सारी एक्टिविटी यहाँ से खुल रही है, बंद हो रही है, ठीक है, वो अलग बात है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका एप्लीकेशन डी एंड होता है उससे पहले ये चीज़ 2 चीज़ें आपको ऐड करना है। ये ज़रूरी है, ये कंपलसरी है, ये मतलब कि उसकी डिपेंडेंसी है। अपने मेटा टैग लगाएंगे उसमें जी, आपको ये मतलब ये कोड दिख रहा है आपको, ये मैं आपको साइड में दे दूंगा, आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं। ये इसकी डिपेंडेंसी, ये आपको लगानी पड़े। तो आप इतना लगा लो, बिल्ड करके जनरेट करोगे एपीके, ठीक है, तो आपकी ऐड ऐप में ऐड लग जाएगी। एरर कहाँ कहाँ आएगी अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, कोड में आपने ऐड लगा ली। अब ऐसे ऐसे मैंने कि आपको बताया कि एक XML खोला था उसमें ऐड करी, उसके फिर जावा में ऐड करी, ठीक है। और उसकी जो आईडी थी मैंने इधर स्ट्रिंग में दी थी, तो मैं यहाँ पर लेआउट में यूज़ कर सकता हूँ, जैसे आपको पता होगा डेवलपर वालों को। तो अब अपन क्या बात कर रहे हैं कि एरर कहाँ कहाँ है। सबसे पहले हम उसी पे चलते हैं जब हम बिल्ड ग्रेडल पे डिपेंडेंसी ऐड करते हैं ये ऐप की है, ठीक है। तो ये पहले से नहीं होती, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, यहाँ पर 9.00 चलता है कई बार। अभी जैसे मेरे में ये सपोर्ट कर रहा है, मेरा एंड्रॉयड वर्जन 1.5 है, ये मेरे में सपोर्ट कर रहा है, कोई एरर भी नहीं देगा, ठीक है। अगर कई बार होता है कि लोगों को इंक्लूड करते नहीं बनता कोड, तब एरर आती है। यहाँ पर पहले यहाँ पर आ सकती है एरर, ठीक है आपकी। तो आप यहाँ पर सिर्फ वर्जन कोड चेंज करेंगे 9.00, मतलब आपको बता देगा कि ये सपोर्ट करो, ये लेटेस्ट आए। जैसे ये मेरे को बता रहा है कि आप, मैं भी 10.2.1 यूज़ कर सकता हूँ, वो लेटेस्ट में है, ठीक है। अब चाहते हैं कोड में XML में मेरा एक्टिविटी कार्ड XML का जी वाला। अब मैंने ऐड कैसे लगाई, सबसे पहले तो मैं आपको बता, ये इसका ऐड का इतना सा कोड है, ठीक है। पर मैं इसको चाहता हूँ कि ये बॉटम में स्टेबल रहा, इसलिए मैंने एक लीनियर लेआउट लगाया अपने पूरे कोड के अंदर, ठीक है। और उस पर क्या लगा दिया है, बॉटम मतलब बॉटम से ट्रू रहा है, मतलब कि बॉटम में चिपका रहा है। और जो अपनी इसकी हाइट है मैंने 60 dB दी, और ऐड की हाइट से और जिससे आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पर आपको ऐड मूव मतलब कि एक आईडी दे तो देना ही रहता है, बना रहता है, जिसको तभी तो जावा में एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट वो नंबर ना देंगे जो जी वाला, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर क्या करोगे, कॉपी करके ये लेके पूरा डिलीट मार के इसे पेस्ट कर दोगे तो भी ले लेगा उधर। लेकिन क्या होता है बाद में अगर मेरे को चेंज करना, तो हर कोड के अंदर नहीं जाना है, इसलिए मैं स्ट्रिंग नेम में ले लिया हूँ। तो एक आईडी नाम ऐड डॉट ऐड स्लैश मतलब वो लगा मैंने इंडस्को आईडी बैनर, तो मैंने उसको स्ट्रिंग डॉट XML में ले लिया, ठीक है, इधर ले लिया, ठीक है। तो उधर वो आ जाएगी अपने ऑटोमेटिकली, ये नंबर उधर चला जाएगा एक्टिविटी कार्ड का, ठीक है। यदि आपको वैसा नहीं लेना तो आप यहीं सीधे पेस्ट कर दो, जावा में यूज़ करना। आप सीधे हम जावा में कूद जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब इधर क्या, ये 3 लाइन का कोड है, ये बीच वाला हम भूल जाइए, ये बीच वाला मैं डिलीट मार दे रहा हूँ। यहाँ पर ये जे वाली, यहाँ पर ये डिवाइस वाला कोड लगा है, यहाँ पर बिल्ड वाला बिल्ड हो जाएगा बस। आपको ये लाइन का कोड लिखना है, इसमें आपने एड व्यू या उसको उधर की आईडी इधर डालें, इसके अंदर फाइंड कर लिया, ऐड रिक्वेस्ट करेंगे बिल्डर से, वो बिल्ड होगा और ऐड व्यू में आपकी ऐड रिक्वेस्ट लोड हो जाएगी, बस इतना कोड है। फिर आपको मैनिफेस्ट में जाना है और मेटा जे लाइन का कोड अपनी एप्लीकेशन की एंड होने से पहले लगाना है, और ऊपर 2 यूजर्स परमिशन देनी है, ठीक है। अब एक और बात देखी, अब मान लीजिए कि मेरे को दूसरी एक्टिविटी में लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, उसके XML में जाऊँगा जो उसका XML है, ठीक है, वहाँ पेस्ट मारूँगा वही है लीनियर लेआउट सहित पूरा, ठीक है। और उसके जावा में जाके वो जावा वाले कोड लिखूँगा। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है, एक और चीज़ दिक्कत आती है यूज़र को कि वो बैनर ऐड 10 बार लगाना चाहते हैं, एक यहाँ लगाएगा एक यहाँ लगाएगा, तो कैसे लगाते, देखिए ऐड मूव आईडी भी आपको 2 बार पेस्ट करनी पड़ेगी। फिर ऐसे में जैसे कि मान लीजिए जे वाली ऐड अभी यहाँ पर बस दिख रही है, यहाँ पर बस मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा चौड़ा और रहे और एक और इसके ऊपर देंगे, तो आपको इसको 2 बार पेस्ट कर देंगे यहीं पर एक
एक के नीचे का जाए, एक के ऊपर एक आ जाएगी। अब इसको भी चौड़ा करना पड़ेगा, इसको आप 120 डीबी 150 डीबी दे दीजिए तो वो चौड़ा हो जाएगा बैकग्राउंड जो उसका है। और अब सेम आईडी नहीं चलेगी, तो इसको अगर आप एड व्यू दे रहे तो एड व्यू 1 दे रहा हो तो इसको एड व्यू 2 देना पड़ेगा। ठीक है, बस ऐसे जावा में जाके क्या करना पड़ेगा आपको, ई कार्ड होम एक्टिविटी, यहाँ पर आपने क्या लिया है ये वाला कोड कितना इतना लेके दोबारा पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर एड व्यू 1 ले रहा हो मान लो, या एड व्यू बस ले रहा है तो उसमें एड व्यू 1 करना पड़ेगा, क्योंकि सेम सेम टाइप के नहीं लेते। यहाँ पर एड रिक्वेस्ट ये हो तो वहाँ एड रिक्वेस्ट 1 करना पड़ेगा। और यहाँ पर जैसे एड व्यू लोड एड रिक्वेस्ट करे हो, ये जैसे कि मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ दोबारा पेस्ट। ठीक है, तो मेरी यहाँ पर दो बैनर ऐड लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा अब देखिए, हाँ ये 1 हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 1 तो ये दूसरी ऐड के लिए काम करने लगेगा, मतलब वहाँ वो ऐड देखने लगेगी। और अपन सेम आईडी यूज़ कर रहे हैं इसलिए वही आईडी फैच कर लेंगे। तो ये तब के लिए है जब हम 2-3 ऐड लगा रहे, ऐसे आपको 3 ऐड लगानी है तो फिर भी आप XML में उसकी आईडी बदलो, वो आईडी आपको इधर लेनी है। तो इस तरह से कोड में ऐड लगाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको डेमो दिखा दे रहा हूँ, अपने मैंने शुरू में दिखा दी ऐड कैसे दिख रही है हमें ऐड। ठीक है, तो हमें बाकी इतना सिंपल सिंपल एक बटन बनाइए, उसके नीचे हेड लगाइए। ठीक है, और उसके लिए जाओ फाइल बनाइए जिससे बटन बटन के क्लिक का कोड तो छोड़िए, जो मैंने ऐड का जो कोड लगाया वो देख लीजिए और जो डिपेंडेंसी दी है वो, और इसके लिए जो जरूरी है वो है आपका एडमो अकाउंट। ठीक है, बाकी प्रोसेस बहुत सिंपल है, 4 लाइन का कोड एक्सेल में लिखना पड़ता है, 4 लाइन का कोड इधर का है, बाकी एक डिपेंडेंसी लगेगी मैनिफेस्ट में, नहीं दो बार मिनिशन लगेंगे और उसमें लास्ट में जाके वो दो चीज़ें ऐड होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो सिस्टम है दो चीज़ें।